हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर द अरेस्ट ऑफ सिद्धार्थ पिटानी ऑल द SSRNs आर वेरी मच हैप्पी एंड नाउ ही हैज़ बीन सेंट टू NCB कस्टडी टिल 1st June एंड दीज 4-5 days ही विल बी क्वेश्चन बाय NCB. सो क्वेश्चनिंग इन द कस्टडी इज टोटली डिफरेंट कंपेयर टू दैट ऑफ अदर क्वेश्चनिंग एंड नाउ सिद्धार्थ पिटानी कैन रिवील मैनी बिग थिंग्स इन SSR केस. फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दैट NCB हैड सेंट summons for almost 3 times to Siddharth Pitani, but Siddharth Pitani did not answer to this summons. Also, Siddharth Pitani's mobile phone was with CBI, and later CBI had handed over that mobile phone to NCB. So NCB had found a WhatsApp chat in that mobile which proved the mal connection of Siddharth Pitani, and that is why he was arrested by NCB. So friends, now we will see what NCB Zonal Director Samir Vankhede said about Pitani. दो दिन पहले हैदराबाद में सिद्धार्थ पिटानी को इंटरसेप्ट किया गया क्राइम नंबर 16 के सिलसिले में. माननीय न्यायालय के सामने उसको प्रस्तुत किया गया हैदराबाद में. उसके बाद ट्रांजिट रिमांड में आज लाया गया इन्हें और आज इनको मुंबई के ACM माननीय ACM न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया है और 1 तारीख तक NCB रिमांड मिली उनको. क्राइम नंबर 16 में ही है एंड इन पे सीरियस ऑफ चार्जेस हैं, जैसा कि सेक्शंस 27, 27A, 28, 29 और बाकी की भी धाराएं लगी हुई है. सो फ्रेंड्स, दिस इज द न्यूज एज ऑफ नाउ. एज सून एज आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस आई शैल लेट यू नो. टिल देन स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.